अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। बावजूद इसके राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंदिर में निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कमर कस ली है। विश्व हिंदू परिषद की निगरानी में बुधवार को पत्थर से लदे 3 ट्रक अयोध्या लाए गए। इन ट्रकों में 225 टन पत्थर हैं, जिन्हें राम सेवकपुरम में रखा गया है। योगीराज में ये दूसरा मौका है जब पत्थरों की खेप अयोध्या पहुंची है। वरिष्ठ विहिप नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के भरतपुर से 3 ट्रक पत्थर अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन मंदिर के लिए हमें 100 ट्रक से ज्यादा पत्थरों की आवश्यकता होगी। बाकी के पत्थर की सप्लाई भी आने वाले 1 या 2 दिनों में हो जाएगी। पांडे ने कहा कि अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए अब मंदिर निर्माण में कोई रुकावट सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले हमने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी से संपर्क किया और उन्होंने 1 साल से रोके गए फॉर्म 39 को तुरंत जारी कर दिया। आपको बता दें कि अयोध्या में 90 के दशक से ही पत्थर लाने का काम जारी है। साल 2007 तक मंदिर निर्माण के लिए लगातार पत्थर लाए गए। इसके बाद कभी राजस्थान सरकार के खदानों में नियम बदलने की वजह से पत्थर आने में रुकावट हुई, तो कभी यूपी सरकार के नियम इसके आड़े आए। 2015 में पूरे देश से पत्थरों को एकत्र करने की ऐसी कोशिश हुई थी। उस समय तत्कालीन समाजवादी सरकार ने 2 ट्रक पत्थरों के आने के बाद उस पर रोक लगा दी थी। वाणिज्य कर विभाग ने पत्थरों को लाने के लिए फॉर्म 39 जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब ये फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचल बढ़ गई है। तो भले ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद को योगी सरकार पर पूरा भरोसा है कि योगी राज में राम मंदिर बनकर रहेगा, और इसी विश्वास से इन लोगों ने यहां पत्थरों को तराशने का भी काम तेज कर दिया है। लेकिन राम मंदिर बनेगा या नहीं, सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।